जीवीएल जानकार तो यह भी कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा में आपकी टीआरएस पर डिपेंडेंसी कम हुई है, निर्भरता कम हुई है, इसलिए आप सीधे उनके घर में घुसकर उनको चुनौती दे रहे हैं, वरना कई मुद्दों पर टीआरएस का साथ आपको चाहिए था इससे पहले भी। देखिए ये अलग विषय है, ठीक, जब कानून पास करने की बात आती है लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में हमारी स्ट्रेंथ है जैसा आपने खुद कहा, राज्यसभा में ये केवल हमारी सहायता नहीं कर रही है, जो कानून हम बनाते हैं ये देश के नागरिकों के सुविधा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए कानून बनाते हैं। तो इसलिए कई राजनीतिक कई स्टेट गवर्नमेंट और गैर बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्टियां भी समर्थन करती है क्योंकि उनके फायदे में भी है, और हम चाहेंगे भविष्य में हम हर दल से, हर गैर एनडीए दल से हम सत्ता के लिए लड़ेंगे, हर स्टेट में लड़ेंगे, पर लेकिन जब कानून बनाने की बात आएगी, जब देश की हित की बात आएगी, राष्ट्र हित में कोई राजनीति नहीं, लेकिन ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ये बड़ी डिफरेंट है दूसरी पार्टियों से। बिहार में चुनाव हो रहा होता है, गृहमंत्री बंगाल चले जाते हैं और वहां पर 3 दिन रुक कर आते हैं, साउथ में तमिलनाडु में चुनाव के लेकर सरगर्मियां शुरू हो रही हैं और आपने पूरा जोर लगा दिया हैदराबाद के निकाय चुनाव पर, तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? देखिए हम हर स्टेट को महत्व देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक स्टेट को, हम अगले चुनाव जो मई में होने वाले हैं उसमें बड़े चुनाव बंगाल और मद्रास, चेन्नई और तमिलनाडु, उसके लिए हम पूरी स्ट्रेटजी तैयार किए हुए हैं। हमारी बंगाल जीतना तय है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है बड़ी बात कह रहे हैं आप, बंगाल जीतना तय है, बंगाल में कोई ताकत नहीं रोक सकती है बीजेपी को, और हम अगले, हमारे अगला जो पड़ाव होगा वो तेलंगाना आंध्र होगा जहां से 42 सीट आते हैं, तो उसमें तेलंगाना हमारे लिए सबसे बड़े तैयार हो रहे हैं क्योंकि अच्छा जीवीएल आपने क्योंकि आप एक सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं, आप बताइए 150 में से कितनी सीटों का आपको लगता है अंदाजा है कि इस बार इतने हैवी कैंपेन के बाद, इतने बड़े स्टार कैंपेनर्स के वहां पहुंचने के बाद बीजेपी हासिल कर सकती है? 4 सीटें पिछली बार मिली थी ना, हम बड़ी सफलता की उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई संख्या कोई कोई नंबर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन बड़ा, बहुत बड़ा इजाफा होगा बीजेपी का, क्योंकि हमने हाल में ही देखा है तो दुबा का विधानसभा के उपचुनाव में, अभी बिहार के साथ साथ जो उपचुनाव हुआ है वो जो टीआरएस की और मुख्यमंत्री केसीआर के गढ़ माना जाता है, वहां हमने एक सेंध लगाई है, हमने जीत कर एक टीआरएस को बड़ी चुनौती दी है, तो इसलिए हमारा संख्या बल कई गुना बढ़ेगा इस बार, और हम उम्मीद करते हैं हैदराबाद की जनता, सिकंदराबाद की जनता, ट्विन सिटीज की जनता हमको ग्रेटर हैदराबाद की रीजन में हमको बड़ी सफलता देगी। अच्छा मैं आपके पास आता हूं, के बद्रीनाथ जी फिर से जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी एक बार एक सवाल ले लेता हूं। के बद्रीनाथ जी, तो क्या ये माने कि बीजेपी ने, देखिए वो तो इमेज तोड़ दी कि केवल हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, ये तो इमेज बहुत पहले तोड़ दी उन्होंने, लेकिन क्या दक्षिण भारत में बीजेपी ने अब उसको और ज्यादा अग्रेसिवली शुरू कर दिया अपना पैर पसारने का जो कवायद है? नहीं नहीं, ये आप ये सोच लीजिए कि मोर देन 20 असेंबली स्टेट असेंबलीज आपके हाथ में है, हाँ। और लोकसभा और राज्यसभा में लगभग आपका पूर्ण बहुमत है, उसके बाद जो है लॉजिकल एक्सटेंशन होगा कि आप जहां जहां आपका पार्टी थोड़ा कमजोर है, थोड़ा एक्सपेंशन का मौका है, वहां जाएंगे ही है, और इसमें जो है अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेख लीजिए त्रिपुरा में कोई नहीं सोचा कि भाई बीजेपी का वहां सत्ता हासिल करेगी, लेकिन वहां जो है बहुत बड़ी पार्टी बनके उभरा और वहां सत्ता हासिल किया है। सेम वे माय गेस इज हैदराबाद विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए लार्जर फाइट बिटवीन। तो फिर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हैदराबाद के इस चुनाव के रिजल्ट्स का क्या बंगाल के असेंबली इलेक्शन पर या तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस पर कोई असर आप देखते हैं? दो चीजें हैं इसमें, बंगाल में अपना ये करंट अलग है और तमिलनाडु में बीजेपी का स्थिति अलग है। तो बंगाल में ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस इज ऑन द बैक फुट, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी जो है सत्ता दल के साथ जा रहे हैं, तो वहां एक वैक्यूम एक तरह का है तमिलनाडु में, और बंगाल में अपोजिशन का वैक्यूम जो है या फिल करे या
रूलिंग पार्टी को डिसलॉज करके तृणमूल कांग्रेस को वहां सत्ता हासिल करना चाहते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।